17 साल की उम्र में ही टैवर्नियर पूरा यूरोप घूम चुके थे और इन यात्राओं के दौरान उनकी हीरों में दिलचस्पी बढ़ गई। 27 साल के टैवर्नियर को कॉन्स्टेंटिनोपल जाने का मौका मिला, जो यूरोप का बड़ा ट्रेडिंग सेंटर था, और फिर वहाँ से वो एक पर्शिया जाते हुए कैरवान के साथ हो लिए। इस सफर में उनका हीरे मोती इकट्ठा करने का जुनून बढ़ता गया और फिर टैवर्नियर पेरिस लौटे और एक ज्वेलर के यहाँ जेमस्टोन्स की और समझ हासिल की। अपनी हीरों की मोहब्बत के बारे में टैवर्नियर लिखते हैं, हीरा सभी पत्थरों में से सबसे कीमती है और इसी के व्यापार के लिए मैं पूरी तरह समर्पित हूँ। भारत दुनिया भर में पहले हीरों का देश कहा जाता था और इसीलिए टैवर्नियर भी भारत की तरफ आकर्षित हुए। टैवर्नियर ने इंडिया में एंट्री 1630 में गुजरात से ली थी। वहाँ सूरत में उन्होंने देखा कि लोग मोरों को पकड़ रहे हैं उनके खूबसूरत पंखों के लिए। ये काम ज्यादातर रात को ही होता था। टैवर्नियर बताते हैं, मोर पकड़ने के लिए लोग एक पर्दा लेकर मोर के पास जाते थे, जिसके दोनों तरफ बड़े मोरों का चित्र होता था। पर्दे की दोनों डंडियों पर एक एक मोमबत्ती जल रही होती थी। मोर आकर्षित होकर अपनी गर्दन डंडे के पास आगे करता। अब वहाँ पर एक रस्सी का फंदा तैयार था, जिसे पर्दा पकड़ा हुआ आदमी खींच देता और मोर उसमें फंस जाता। उस समय वैसे मोर पकड़ना कानूनी जुर्म नहीं था, लेकिन राजा की सख्त चेतावनी थी कि किसी मोर को कैसे भी चोट ना लगे। एक बार किसी व्यापारी ने मोर को मार दिया था तो उसे जेल तो हुई ही थी, बल्कि उसकी सारी संपत्ति भी जब्त हो गई। गुजरात से टैवर्नियर औरंगजेब के बुलावे पर शाहजहानाबाद गए। बादशाह ने टैवर्नियर को क्यों बुलाया होगा, आप समझ ही गए होंगे। उनका अभी तक का हीरों का संग्रह देखने और हीरे खरीदने के लिए। उन्होंने बादशाह को कई हीरे बेचे और दोनों में अच्छी जान पहचान भी हो गई। इसी जान पहचान के नतीजे टैवर्नियर विश्व के शायद इकलौते इंसान हैं जिन्होंने शाहजहान का बनवाया तख्त-ए-तौस यानी पीकॉक थ्रोन बिल्कुल करीब से देखा और उसके बारे में दुनिया को बताया। वो उस तख्त को देख बिल्कुल मंत्रमुग्ध हो गए। वो बताते हैं, तख्त 6 फीट लंबा और 4 फीट चौड़ा था और उसमें 108 माणिक यानी रूबी और 116 पन्ना यानी एमरल्ड जड़े हुए थे। हीरों की खोज में जब टैवर्नियर आगरा जा रहे थे, उन्होंने उस समय के भारत के ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम पर गौर किया। ये सिस्टम 3 श्रेणियों में बटा हुआ था। सबसे पहले सामान लाने ले जाने के लिए बैलगाड़ियों का ही इस्तेमाल होता था। 10-10 हजार बैलों का कारवां एक साथ सामान लेकर जाता था। इस 45 दिन के दौरे के उन्हें 1,00,000 रुपए मिलते थे। दूसरा, निजी इस्तेमाल के लिए लोग बैलों के टांगे का इस्तेमाल करते थे। टैवर्नियर ने खुद सूरत से आगरा आने के लिए जिस टांगे का इस्तेमाल किया, उसके लिए उन्होंने 600 रुपए दिए और उन्हें 45 दिन लगे। और किसी को पूरी नवाबी चढ़ी हो तो अपने लिए पालकी का इस्तेमाल कर सकता था। टैवर्नियर ने पालकी का भी इस्तेमाल किया, जिसे 12 लोगों ने उठाया था। उसके लिए उन्होंने 60 डेज के 720 रुपए दिए। आगरा के बाद टैवर्नियर सबसे अनोखे हीरे खरीदने खुद कोल्लूर की माइंस में गए। उस समय क्रेडिट कार्ड या मनी ट्रांसफर्स तो होते नहीं थे, लेकिन उस जमाने में जो लोग मनी चेंजर्स थे वो थे श्रॉफ। अभी तक जो भी अलग अलग मुद्राएं टैवर्नियर ने इकट्ठी की थी, उसे बदलकर टैवर्नियर ने पगोड़ा ले लिया। पगोड़ा लगभग नाखून जितने बड़े सोने के स्लैब को कहते थे। वहाँ के व्यापारियों के साथ सौदा करके उन्हें बहुत मजा आया। वो व्यापारी की टेबल के सामने बैठ गए और एक कपड़े से ढकी थाली में दोनों ने अपने हाथ डाल दिए। अब एक दूसरे की उंगलियां छूकर चुपचाप मोल मुलाही हो रही थी। अगर उंगली को छुआ तो उसका मतलब 100 पगोड़ा होता था और अगर उंगली के जोड़ को छुआ तो उसका मतलब 50 पगोड़ा। दोनों में से किसी ने एक शब्द नहीं बोला और दाम तय हो गया। अभी तक जो भी हीरे टैवर्नियर को मिले थे वो कुछ खास नहीं थे इस अगले हीरे के सामने। जब वो आखिरी बार कोल्लूर के खान गए तो कृष्णा नदी के किनारे टैवर्नियर को ऐसा हीरा मिला जो बिल्कुल अद्भुत था। हालांकि वो हीरा सिर्फ 112 कैरेट का था, लेकिन क्लैरिटी 100%, अनोखा प्रिस्टीन ब्लू कलर और साइज एक इंसान की मुट्ठी जितना। ये हीरा बाद में जाकर टैवर्नियर ब्लू नाम से जाना जाने लगा और इतिहास में इस खास ट्रैवलर की जगह पर पक्की मोहर लगा दी। टैवर्नियर 1653 में
टैवर्नियर ब्लू लेकर इंडिया से निकले और सीधा पेरिस गए और वो डायमंड उन्होंने फ्रांस के राजा लुई दी 14 को बेच दिया। उस डायमंड की जो उन्हें कीमत मिली वो उस समय के 145 किलो सोने की कीमत के बराबर थी। टैवर्नियर ब्लू डायमंड के आसपास काफी अंधविश्वास की कहानियां भी हैं। कुछ वेस्टर्न जेमोलॉजिस्ट का मानना है कि इस हीरे को टैवर्नियर ने सीता की एक मूर्ति से चुराया था और इसलिए जो जो इसे पहनता है वो अननेचुरल मौत मरता है। इस थ्योरी को लेकर लोगों की अलग अलग राय है, लेकिन न्यूयॉर्क टाइम्स ने 1911 में आर्टिकल पब्लिश किया जिसमें उन लोगों की लिस्ट थी जिन्होंने इस हीरे को पहना और उनकी अननेचुरल डेथ हुई, और उसमें टैवर्नियर का नाम भी शामिल था क्योंकि 84 साल की उम्र में टैवर्नियर पर शिकारी कुत्तों ने हमला कर दिया जिसकी वजह से उनकी मौत हो गई थी। अब टैवर्नियर ब्लू श्रापित था या नहीं, ये आप सोचिए।